हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट सरकंडा बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अभी जिस अवधि में हैं हम लॉकडाउन की अवधि में, उस अवधि में आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहते हुए अपनी तैयारी को निरंतरता प्रदान कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी ACF की परीक्षा का विज्ञापन CGPSC के द्वारा किया गया है और साथ ही साथ CGPSC प्री का भी रिजल्ट आ चुका है। तो CGPSC मेंस की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को और सबसे ज़्यादा फोकस जो अभी वर्तमान में ACF की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान के द्वारा यह विशेष कक्षा बायोलॉजी सब्जेक्ट पर आप लोग के सामने लाया जा रहा है। और बायोलॉजी की यह जो कक्षा है यह स्वाति गुरुद्वान मैडम जी के द्वारा लिया जाएगा। मैं बायोलॉजी की कक्षा के बारे में बताने से पहले मैं आपको स्वाति मैडम के बारे में बताऊँगा कि स्वाति मैडम 2017 के CGPSC और 2018 के CGPSC में उच्च स्तरीय रैंक प्राप्त करके चयनित हुई हैं और वर्तमान में वह राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के विभाग में भू अभिलेख शाखा में सहायक अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी पोस्टिंग वर्तमान में कलेक्ट्रेट बिलासपुर में है और वह हमारे विशेष निवेदन पर आप सभी के लिए यह वीडियो तैयार कर रही हैं। मैं संस्थान की ओर से प्रगति परिवार की ओर से स्वाति मैडम को उनके चयन के लिए बधाइयाँ भी देना चाहूँगा और इस विशेष सहयोग के लिए मैं अपने परिवार की ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं आप सभी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि मैडम के द्वारा जो है वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, आप उसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में यारों में सर्कुलेट करें ताकि आप सभी के लिए हम यह वीडियो निरंतर प्रदान कर सकें। धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्तमान में एक CGPSC की मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है और दूसरी जो वैकेंसी आई है वो ACF और रेंजर की वैकेंसी है। इन दोनों परीक्षाओं को सम्मिलित रूप से कंबाइन करके हम इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। ये आपके दोनों एग्ज़ाम्स के सिलेबस को कवर करेगा ये टॉपिक। मेन्स में क्या होता है कि आपका जो पैटर्न होता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, तो हम इस टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी देखेंगे, प्लस ACF के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है उस पर जो फैक्चुअल चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको बताती चलूँगी, आप उसको नोट करते चलेंगे। ठीक, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है श्वसन तंत्र। सामान्य रूप से अगर मैं इन जनरल फॉर्म में बोलूँ कि श्वसन क्या होता है, तो श्वसन का मतलब होता है, अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में बोले तो, वायु को शरीर के भीतर लेना और शरीर से बाहर निष्कासित करना। लेकिन आज हम इसको बायोलॉजी के फॉर्म में इसकी फिजियोलॉजी समझते हैं कि एक्चुअल में श्वसन होता क्या है। तो सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हमको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए हमको कोई भी काम को करने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी फूड मटेरियल इनटेक करते हैं। ठीक, तो फूड मटेरियल से आखिर हमको ऊर्जा मिलती कैसे है, तो फूड मटेरियल से जो ऊर्जा हमको मिलती है वो श्वसन के प्रक्रिया के द्वारा ही मिलती है। हम जो वायु अपने शरीर के भीतर ग्रहण करते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, हमारे फूड मटेरियल का ऑक्सीकरण करता है और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक, मतलब श्वसन एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, श्वसन की परिभाषा, ठीक है, अगर मैं इसको सामान्य रूप से मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखते हैं तो श्वसन की परिभाषा होती है कि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं का निर्माण होता है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, अब इसमें जो चीज़ें नोट करने के लायक हैं आपके ACF के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम दूसरा कह सकते हैं कि आप उसको मेंस में भी अगर उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं तो आप दूसरों से अपना परिभाषा थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, आप सबसे पहले बताइए कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक, दूसरा होता है कि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मतलब एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तीसरा होता है कि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का जो अणु है वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं में टूटता है,
टूटने की वजह से ये जो प्रक्रिया होती है ये होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब अपचय की क्रिया। किसी भी चीज़ के टूटने को कैटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। फिर फोर्थ जो होता है, यहाँ पर ऊर्जा निष्कासित होती है, इसके कारण ये एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, मतलब ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है। ठीक, अब ये आप अपने परिभाषा में लिख भी सकते हैं और आपको ऑप्शनल में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है और एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, अब हम देखते हैं कि श्वसन की परिभाषा हमने देख लिया, इसका जो प्रकार है हम उसको इसकी क्रियाविधि के साथ साथ में पढ़ेंगे, जिससे वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो मैं मोटा मोटा इसके जो मेन टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। हम सबसे पहले मानव के श्वसन तंत्र को समझते हैं। ठीक, डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, मैं आपको इसका मतलब डिस्क्रिप्शन देते जाती हूँ, आप चाहें तो डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, जो मानव का श्वसन तंत्र है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है नोस और नेसल पैसेज, मतलब आपका नाशा और नाशा गुहा। ठीक, यहाँ से जो मानव का श्वसन तंत्र है वो स्टार्ट होता है। ठीक, इसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है फेरिंग्स, हिंदी में इसको कहा जाता है ग्रसनी। ठीक, ये जो भाग होता है आप ध्यान रखिएगा, ये आपके आहार नाल, मतलब कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, और आपके श्वसन तंत्र का कॉमन पार्ट होता है। मतलब ये एक संरचना है, समझिए, जो फेरिंग्स है वो, और यहाँ से दो नलिकाएं निकलती है, एक नलिका आपकी श्वास नली बनाती है जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया, और एक नलिका आपकी आहार नाल बनाती है। ठीक, तो ये जो संरचना है ये कॉमन रूप से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में पाई जाती है। फेरिंग्स के बाद एक संरचना आती है एपिग्लॉटिस। ठीक, क्या होता है ना कि अब मैंने कहा कि ये कॉमन स्ट्रक्चर है आहार नाल में भी और श्वास नली में भी, तो अब आप समझिए कि भाई भोजन अगर यहाँ तक आया तो उसको यहाँ पर जाना है तो वो यहाँ भी तो जा सकता है, क्योंकि वो दोनों में कॉमन प्रोसेस है। तो यहाँ पर एक ढक्कन नुमा छिद्र पाया जाता है जिसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस। ये क्या करता है, जब भी हम भोजन को निगल रहे होते हैं ये इस श्वास नली को बंद कर देता है। कभी कभी क्या होता है, ये ढक्कन थोड़ा खुला रह जाता है, यही कारण होता है कि भोजन को खाते वक्त वो हमारे श्वास नली में पहुंचता है और हम फंस जाते हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो संरचना है एपिग्लॉटिस, ये भोजन को निगलते समय श्वास नली को ढकने का काम करती है। तीसरी जो संरचना होती है वो होती है लैरिंग्स। इस लैरिंग्स को कहा जाता है, इसका एक और शब्द यूज होता है स्वर यंत्र, यहाँ से हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है, ये कारण है कि हम इसको कहते हैं स्वर यंत्र। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब ACF और रेंजर को देखते हुए आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें उपास्थि के चार छल्ले पाए जाते हैं, एक का नाम होता है थायराइड, दो छल्ले होते हैं एरिटिनॉइड के नाम से, और ये होता है एक क्रिकॉयड के नाम से, मतलब ये जो छल्ले होते हैं ये कार्टिलेज या उपास्थि के बने होते हैं। ये जो छल्ले होते हैं, ये जो छल्ले होते हैं ये कार्टिलेज या उपास्थि के बने होते हैं। ठीक, फिर तीसरी संरचना ये होती है हमारी ट्रेकिया, हिंदी में इसको हम कहते हैं श्वास नली। ठीक, ये वाली संरचना जो यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर भी रिंग नुमा आपको जो संरचना दिख रही है ये भी उपास्थि है, जो क्या करती है, इसको चिपकने से रोकती है। कभी ऐसा हो कि इस जगह पर वायु अगर अनुपस्थित है तो ये जो ट्रेकिया को चिपकने से रोकने के लिए ये उपास्थिमय छल्ले इसमें पाए जाते हैं। ठीक, फिर आगे की जो संरचना है वो कहलाती है ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स। क्या होता है, जो आपका ट्रेकिया है, ठीक, ये आपके लंग्स में जब एंटर करता है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, इसका जो मेजर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ब्रोंकस। ठीक, ब्रोंकस जो है वो आगे जब लंग्स में जाएगा तो जब अगर राइट साइड में है तो तीन लोब में डिवाइड होगा, तीन लोब का निर्माण करेगा,
और अगर लेफ्ट साइड है तो ये दो लोब का निर्माण करेगा, मतलब दो शाखाओं में विभक्त होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रैकिया है इसमें जब ये प्रवेश करता है लंग्स में जब ये ब्रोंकस प्रवेश करता है तो ये कहलाता है ब्रोंकियोल्स। ठीक, फिर अंत में ये इस प्रकार की फूली हुई संरचना बनाता है जिसको कहा जाता है एल्वियोलाई या एयर सैक। यहाँ पर मैंने इसको बना दिया है। जो इसकी मुख्य शाखा होती है वो ब्रोंकस कहलाती है, फिर ये शाखाओं में विभक्त होता है जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और लास्ट की फूली हुई संरचना एल्वियोलाई कहलाती है। यहाँ तक जब वायु पहुँचता है ऑक्सीजन और CO2 तो यहाँ पर ही गैसियस एक्सचेंज होता है, ये हम आगे मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद की संरचना होती है आपकी लंग्स। जो फेफड़ा होता है ये एक संरचना पर टिका होता है जिसको कहा जाता है डायफ्राम। ठीक, जो फेफड़ा होता है इसके बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसमें भरा जो फ्लूड होता है वो कहलाता है प्लूरल फ्लूड। ये क्या करता है, किसी भी बाह्य आघातों से फेफड़े की रक्षा करता है। इसके बाद जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं की तुलना में बड़ा होता है। ठीक, जो बायां फेफड़ा होता है वो कंपेयर देन छोटा होता है। अब इसके अंदर की संरचना को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हमने मानव का श्वसन तंत्र पूरी तरह से समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि श्वसन की क्रियाविधि कैसी होती है। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, इसको ना हम चार भाग में तोड़कर पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग। ठीक, मतलब इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, वायु को शरीर के भीतर लेंगे और शरीर से बाहर निष्कासित करेंगे। दूसरा प्रोसेस होता है गैसों का आदान प्रदान। जब वो वायु पूरी तरह से हमारे लंग्स में पहुंच जाएगी तब उसको हम रक्त केशिकाओं में पहुंचाएंगे। तीसरा प्रोसेस होता है गैसों का परिवहन। इसके माध्यम से हम ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखेंगे। और चौथा प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन, जिसमें हम क्या करेंगे कि उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कैसे होगा, हम ये चीज़ को देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग। ठीक, श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है सामान्य रूप से, ठीक है, वायु को शरीर के भीतर लेना और शरीर से बाहर निष्कासित करना। ठीक, आप ये टर्म यूज़ नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन को शरीर के भीतर लेना और निष्कासित करना, क्योंकि हम पूरे वायुमंडल से वायु को शरीर के भीतर लेते हैं। ठीक है, मतलब उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, जो मेजर उसके पार्ट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं। ठीक, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस को हम कहते हैं निःश्वसन या इंस्पायरेशन, दूसरा प्रोसेस कहलाता है निःश्वसन या एक्सपायरेशन। आप समझिएगा इस बिंदी की वजह से मतलब पूरा डेफिनेशन चेंज हो जाता है। आप लिखने में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप ऑप्शनल में इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें, और अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप इसका इंग्लिश देखते चलें। ठीक, निःश्वसन या इंस्पायरेशन शब्द से ही क्लियर है, इनटेक करना किसी चीज़ को, मतलब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वायु को शरीर के भीतर ले जाते हैं। ठीक, अब ये कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस इसलिए है कि हम किसी चीज़ को जब इनटेक करते हैं तो हमारा शरीर उस पर वर्क करता है। ठीक, अब ये वायु हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कैसे करेगा, शरीर के भीतर मतलब एक्चुअल में हमको उसको लंग्स तक ले जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा लंग्स है जो डायफ्राम पर टिका हुआ होता है। ठीक, ये हमारा डायफ्राम पर टिका हुआ लंग्स होता है। ठीक, अब क्या होता है कि जब मतलब वायुमंडल का जो दाब होता है, वायुमंडल का जो दाब होता है ये अधिक हो जाता है कंपेयर देन किसके, इस लंग्स के, मतलब लंग्स में क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। और यहाँ पर प्रेशर कम होगा मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब इसका आयतन बढ़ेगा, इसके पास स्पेस हो जाएगा किसी चीज़ को इनटेक करने के लिए। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा होता इसलिए है कि जब हमको इंस्पायरेशन का प्रोसेस बॉडी करता है उस कंडीशन में जो हमारी रिब्स होती हैं जिसको हम पसलिया कहते हैं,
ये रिब्स जो हैं ये बाहर की ओर मूवमेंट करता है, जो डायफ्राम होता है ये संकुचित हो जाता है, मतलब जो आपका डायफ्राम होता है ये नीचे की तरफ संकुचित हो जाता है और जो आपका लंग्स है ये ऊपर उठता है। ऊपर उठने की वजह से यहाँ वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम हो जाता है कंपेयर देन किसके, वायुमंडली दाब के। पिछले साल के ACF में एक क्वेश्चन आया था कि इंस्पिरेटरी मसल्स कौन सी होती हैं, तो आप याद रखिएगा दो मसल होती है, एक होती है आपकी रेडियल मसल्स और एक होती है आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जो रेडियल मसल्स है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये दोनों मसल्स में भी क्या होता है, संकुचन होता है और इस संकुचन की वजह से ही आपका डायफ्राम संकुचित होता है, रिब्स बाहर गति करते हैं और फेफड़े का वॉल्यूम बढ़ता है जिससे प्रेशर जो है वो वायुमंडल दाब के कंपेयर में कम हो जाता है और वायु जो है वो शरीर के भीतर प्रवेश करती है। ठीक, तो ये प्रोसेस हो गया आपका निःश्वसन या इंस्पायरेशन का। जस्ट इसके अपोजिट होगा एक्सपायरेशन या निःश्वसन। इसमें क्या होगा, वायु को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाएगा, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, वायु को शरीर से बाहर ले जाते हैं। ठीक, जस्ट अपोजिट होगा, ये एक इनएक्टिव प्रोसेस है। ठीक, और इन सब में जिनमें संकुचन हुआ है इनमें शिथिलन होगा, जो फेफड़ा है आपका डायफ्राम जो है वो संकुचित हुआ है वो शिथिल होगा और जब ये शिथिल होगा तो जो आपका लंग्स है ये नीचे झुकेगा जिससे इसके आयतन में कमी आएगी और इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब अब क्या होगा, लंग्स का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा और इस कंडीशन में वायु जो है वो शरीर से बाहर निकलेगी। ठीक, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ है कि जो वायु हम लेते हैं और जो निष्कासित करते हैं उसमें जो गैस होते हैं उनका परसेंटेज कितना होता है। तो इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें जो नाइट्रोजन का परसेंट है वो होता है लगभग 79%, ऑक्सीजन होता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें आपका नाइट्रोजन लगभग सेम रहता है। ठीक, जो ऑक्सीजन होता है ये हो जाता है 17% और जो CO2 होता है ये होता है आपका 4%। ठीक, तो ये हो गया आपका श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग का प्रोसेस जिसके माध्यम से हमने वायु को लंग्स तक ले जा चुके हैं। ठीक, अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गैसियस एक्सचेंज या गैसों का आदान प्रदान। ठीक, अब वायु जो है वो हमारे लंग्स में एंटर कर चुकी है। लंग्स का जब स्ट्रक्चर मैं बताई थी उसमें मैंने बताया था कि उसकी अंतिम संरचना जो है वो कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक, इसका जो अंतिम फूला हुआ भाग जिसको मैंने कहा था एल्वियोलाई या एयर सेक, ठीक, इसके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाओं, रक्त केशिकाओं का जाल बिछा होता है। ठीक, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन जो है इसका जो आंशिक दाब होगा वो होता है 100 mm ऑफ Hg, मतलब जो हमने वायु ग्रहण किया है। ठीक, यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज हैं इसमें इस ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 37 mm ऑफ Hg, जो कि इसके कंपेयर में कम है। तो इस केस में ऑक्सीजन क्या है, इन एल्वियोलाई से प्रवेश करेगी ब्लड कैपिलरीज में। ठीक, सेम कंडीशन होता है कि यहाँ पर 47 mm ऑफ Hg होता है CO2 का आंशिक दाब और यहाँ पर जो CO2 है इसका आंशिक दाब होता है 40 mm ऑफ Hg और होता क्या है कि CO2 जो है वो यहाँ प्रवेश करती है और इसके माध्यम से एक्सपायरेशन द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दी जाती है। तो गैसियस एक्सचेंज में आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करना है और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, गैसियस एक्सचेंज ये कैसे होता है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट जिसको हम कहते हैं गैसों का परिवहन या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक,
अब आपने देखा कि लंग्स के एल्वियोलाई से हम ऑक्सीजन को ले गए हैं कहाँ तक, ब्लड कैपिलरीज तक, ठीक। अब हमको उसको पूरे शरीर में ले जाना है, तो पूरे शरीर में ले जाने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लड का, ठीक है। तो अब गैसों का परिवहन रक्त करेगा, तो कैसे करेगा, ठीक। तो गैसों के परिवहन में मुख्य रूप से हमारी दो गैसें हैं, एक है हमारा ऑक्सीजन, एक हमको देखना है ऑक्सीजन का परिवहन, और दूसरा हमको देखना है CO2 का परिवहन, ठीक। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के परिवहन को समझते हैं। देखिए होता क्या है, जो आपका ब्लड होता है इसके दो भाग होंगे, एक होगा प्लाज्मा और एक होगा इसका RBCS पार्ट, ठीक। प्लाज्मा वाले भाग में ना जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसकी जो घुलनशीलता है वो बहुत कम होती है, मतलब इसकी घुलनशीलता बहुत कम होती है, तो रक्त का जो प्लाज्मा वाला भाग है वो ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा परिवहन नहीं कर पाता। RBCs में एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बांध लेता है, ठीक। हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बांध लेता है और बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब ये कहाँ पर होता है, तो ये जो निर्माण है ये होता है लंग्स में, ठीक। लंग्स में ये प्रोसेस होता है, कारण क्या है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो है वो यहाँ पर अधिक होता है, और जब कभी ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होगा तब हीमोग्लोबिन के साथ वो संयोजित होगा और वो बनाएगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक। लेकिन जैसे ही हम शरीर के केशिकाओं में या उत्तकों में पहुँचेंगे वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है ये क्या होगा, कम हो जाएगा, कहाँ पर, टिश्यूज में, ठीक। तो इस कंडीशन में इस ऑक्सीहीमोग्लोबिन का क्या होगा, वियोजन होगा, ठीक। और ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा और ये ऑक्सीजन जो ब्लड है वो उत्तकों में सप्लाई कर देगा, ठीक है। अब ये सारा जो प्रोसेस होता है इसमें फैक्चुअल में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में चार ऑक्सीजन अणुओं को बांधने की कैपेसिटी होती है, ठीक। अब हमने देखा एक इसमें एक दो नंबर में मेंस के हिसाब से भी पूछ सकता है और ACF रेंजर के हिसाब से आपका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, एक बोहर प्रभाव होता है, वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन के परिवहन से ही संबंधित है। क्या होता है ना, जब ना कोशिकाओं में मतलब टिश्यूज में CO2 का सांद्रण बढ़ता है और pH मान जो है वो कम होता है, ठीक। हमने सामान्य रूप से देखा जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है, ठीक है, जब हम इसका वियोजन वक्र खींचेंगे, इसका वियोजन वक्र खींचेंगे तो ये होता है सिग्मोइड एस शेप का, ठीक। सिग्मोइड एस शेप का इसका वियोजन वक्र होता है, लेकिन जब कभी ये केस होता है कि टिश्यूज में CO2 की मात्रा बढ़ती है और pH मान कम होता है, इस कंडीशन में जो इसका वियोजन वक्र है, ठीक, ये जो है ये दाई तरफ विस्थापित हो जाता है, ठीक, क्योंकि वियोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, अब टिश्यूज को ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता है, तो दाई ओर ये वक्र इसलिए विस्थापित होगा कि वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसको बोहर नामक एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको कहा जाता है बोहर प्रभाव, ठीक। तो इसमें यह आपको पूछ सकता है कि सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन का जो वियोजन वक्र होता है वो सिग्मोइड एस आकार का होता है, लेकिन जब कभी उत्तकों में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है और pH मान कम होता है, उस कंडीशन में ये जो वियोजन वक्र है ये दाई ओर विस्थापित हो जाता है, इस प्रभाव को कहते हैं बोहर प्रभाव, ठीक। ये हो गया आपका ऑक्सीजन का परिवहन। अब हम देखते हैं CO2 का परिवहन, ठीक। जो CO2 का परिवहन है ये तीन रूपों में होता है, ठीक। थोड़े से मात्रा में ये कार्बोनिक अम्ल के रूप में होता है,
कार्बोनिक अम्ल के रूप में लगभग 5%। फिर ये होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ये होता है लगभग 10%। तीसरा जो रूप होता है वो होता है इसका बाइकार्बोनेट फॉर्म, ये लगभग 70% होता है, मतलब सबसे ज़्यादा CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि कैसे होता है। क्या होता है, ये होती है आपकी RBC और बाहर है आपका प्लाज्मा, ये आपका प्लाज्मा वाला पार्ट है, ये आपका RBC वाला पार्ट है। ठीक, फिर से वही केस कि जो CO2 है इसकी घुलनशीलता यहाँ पर कम होती है, CO2 की जो घुलनशीलता है वो कम होती है कहाँ पर, प्लाज्मा में। तो ये एंटर कर जाता है कहाँ पर, RBC में, और RBC में ये जल के अणुओं के साथ आपस में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहा जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु आपस में संयोजित होते हैं और बना लेते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक एसिड, ठीक, इस कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। ठीक, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये यहाँ से निकलकर प्लाज्मा में आ जाता है और प्लाज्मा में सोडियम प्लस पोटेशियम से अटैच होकर के ये बना लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक, और इसी रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। जो हाइड्रोजन का आयन होता है ये जो है ये हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। ठीक, मतलब इस तरीके से कार्बोनिक अम्ल बनेगा, वो पहले टूटेगा, रीज़न है RBC में कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है, फिर ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये सोडियम और पोटेशियम से क्रिया करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाएगा और इस फॉर्म में CO2 का परिवहन करेगा। ठीक, अब यहाँ पर ना एक घटना होती है, इसको क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। क्या होता है, जब बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में एंटर करते हैं तो आयनों का संतुलन बनाए रखने के लिए जो प्लाज्मा के क्लोराइड आयन हैं ये RBC में प्रवेश करते हैं। ठीक, तो इस पूरी घटना को कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट। ठीक, इसको हैमबर्गर फिनामिना भी कहा जाता है, हैमबर्गर की घटना। ठीक, तो आप ये देख लीजिए, मतलब पूछ सकता है क्लोराइड शिफ्ट किससे रिलेटेड है, तो CO2 के परिवहन से है बाइकार्बोनेट फॉर्म में। मेन ये एंजाइम का नाम याद रखिए, RBC में पाई जाती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, जिसके कारण कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्लोराइड जो है वो प्लाज्मा से RBC में प्रवेश करते हैं आयनों का बैलेंस बनाने के लिए, इसलिए इस घटना को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये हो गया आपका गैसों का परिवहन। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ टॉपिक, जिसको हमने कहा था कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आपने ये देखा कि हमने क्या किया है, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर लिया है। मैंने आपको टॉपिक के फर्स्ट में जब डेफिनेशन एक्सप्लेन किया था तो मैंने कहा था कि श्वसन की प्रक्रिया एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, मतलब हम क्या करेंगे, ग्लूकोज के अणुओं का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे और लास्ट में हमको क्या फॉर्म करना है, ऊर्जा। ठीक, तो कोशिकीय श्वसन की जो प्रक्रिया है ना, इसको हम दो भागों में देखते हैं। इसके एक भाग को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस और इसका दूसरा पार्ट कहलाता है क्रेब्स साइकिल। लेकिन अब आप यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, जो श्वसन का प्रकार है मैं उसको यहीं पर डिफाइन कर रही हूँ ताकि चीज़ें आपको समझने में आसान हो। ठीक, देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया अगर होती है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस श्वसन को कहा जाता है ऑक्सीश्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, और अगर ये ऑक्सीजन एब्सेंस है तो इस श्वसन को कहा जाता है अनऑक्सीश्वसन या एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, अब ये होता क्या है समझिएगा आप,
जब कभी ना ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो जो श्वसन हो रहा है उसको जब ऑक्सीश्वसन कहेंगे, तो इस केस में क्या होगा, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, ठीक, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ठीक, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं में। मतलब आपका लास्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। इस स्थिति में जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है लगभग 686 किलो कैलोरी और टोटल एटीपी के फॉर्म में अगर देखेंगे तो 38 एटीपी की ऊर्जा बनती है। आप हड़बड़ाएंगे नहीं, इसको अभी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखेंगे, ठीक। मतलब आप मोटा मोटा ये समझिए कि ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इस केस में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं का निर्माण करता है। आपकी एनर्जी रिलीज होती है जो 686 किलो कैलोरी होती है और 38 एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक। लेकिन अगर यही केस अनाक्सीश्वसन में है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, उस केस में क्या होता है, जो ग्लूकोज का अणु होता है या बनाता है एथिल अल्कोहल या बनाता है लैक्टिक एसिड। आपने अक्सर एक टर्म सुना होगा, पेशियों में थकान के दौरान लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ये वही केस है जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक, और यहाँ पर इसके साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। मतलब इस प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि पूरा मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल में टूट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एथिल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर टोटल एटीपी होती है केवल 2 एटीपी, ठीक। अब ये कैसे होता है ये हम आगे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये जो एटीपी का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, आखिर ये होता कैसे है, इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। मतलब अगर ये अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया हो रही है तो कैसे हो रही है, और अगर ये ऑक्सी श्वसन के फॉर्म में है तो कैसे ये हो रही है, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक। अब जैसा मैंने कहा कि श्वसन की जो प्रक्रिया है वो दो चरणों में होगी, एक ऑक्सी श्वसन के फॉर्म में, एक अनाक्सी श्वसन के फॉर्म में। तो आप याद रखिएगा जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है ये ऑक्सी में भी होता है और ये अनॉक्सी में भी होता है। मतलब यह प्रक्रिया दोनों तरह के श्वसन में पाई जाती है, मतलब दोनों का ये कॉमन स्टेप है। कारण क्या है, ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है आपके कोशिका द्रव्य में, ठीक, जिसके कारण ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों श्वसन में ये प्रक्रिया पाई जाएगी। लेकिन जो क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया चलती है ये चलती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके कारण यह प्रक्रिया केवल किस में पाई जाती है, आपके ऑक्सी श्वसन में, ठीक। अब एटीपी का फॉर्मेशन हम यहाँ से समझेंगे। मतलब आप सबसे पहला ये याद रखिए कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, ऑक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन दोनों में पाई जाती है, क्रेब साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ये केवल ऑक्सी श्वसन में पाई जाती है, ठीक। अब हम समझते हैं ग्लाइकोलिसिस को, ठीक। मैंने आपको अभी बताया कि हमको ऑक्सी श्वसन अगर करवाना है तो अंतिम प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और अनॉक्सी में किसी किसी केस में एथाइल अल्कोहल और किसी किसी केस में बनेगा लैक्टिक एसिड, ठीक। मतलब हमको लास्ट प्रोडक्ट ये बनाना है ऑक्सी श्वसन है तो, ठीक है, मतलब क्रेब्स साइकिल अगर चलेगा तो। तो होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, ठीक, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पाइरूविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है आपका ग्लाइकोलिसिस। मतलब एक ग्लूकोज से 2 पाइरूविक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, आपका ग्लाइकोलिसिस। इस पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से हम यहाँ पर समझेंगे। याद रखिएगा ये पूरा प्रोसेस 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अगर आप मेंस में लिखते हैं और ये क्वेश्चन आता है तो आपके पास अगर थोड़ा बहुत चीज़ें, अगर आपको एंजाइम का नाम याद नहीं है
या थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है वो शायद चल जाएगा, लेकिन जब आपको ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपको पूरे नाम लगभग याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़े थोड़े टर्म्स में डिफरेंस आने की वजह से वो मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक, तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, ठीक, हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी के एक मॉलिक्यूल का यूज़ करता है। मतलब यहाँ पर एटीपी के मॉलिक्यूल को कंज्यूम किया जा रहा है, ना कि उसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक, तो ग्लूकोज है वो फर्स्ट एंजाइम, आप याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक, हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी के एक मॉलिक्यूल का उपयोग करता है और बनाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ठीक, और ये भी याद रखिएगा कि पहला प्रोसेस जो होता है ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक, पहला, तीसरा और दसवां प्रोसेस जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक, तो यहाँ पर एटीपी के एक मॉलिक्यूल का यूज़ हुआ, हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में बना ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। सेकेंड स्टेप में फास्फोग्लूको आइसोमेरेस की उपस्थिति में इसने बना लिया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। तीसरे प्रक्रिया में फिर से एटीपी के एक अणु का कंज्यूम किया गया है, मतलब यूज़ किया गया है, और फास्फोफ्रुक्टोहेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में इसने बना लिया फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। ये हो गया आपका तीसरा प्रोसेस। फिर ये एंजाइम भी आपका इम्पॉर्टेंट है, एल्डोलेस। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर इसमें बनता है 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों आपस में चेंजेबल होते हैं। ये होता है फास्फोट्रायोस आइसोमरेस एंजाइम की उपस्थिति में। फिर आपका जो फिफ्थ प्रोसेस होता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का यूज़ नहीं होता, और क्वेश्चन जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो एक टर्म मिलेगा, इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ठीक, तो आप ये टर्म को ध्यान रखिएगा, फिफ्थ प्रोसेस नो एंजाइमेटिक रिएक्शन, इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। उसके बाद 1,3-डाइफास्फोग्लिसर एल्डिहाइड से ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। यहाँ पर NADH2 के दो अणुओं का निर्माण किया जाता है, मतलब अब यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ NADH2 के दो अणुओं का निर्माण किया गया है। ठीक, छठवें प्रोसेस में। सातवें प्रोसेस में फास्फोग्लिसरेट ट्रांस फास्फोराइलेस की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। फिर से सातवें प्रोसेस में 2 ATP का निर्माण होता है, वहाँ पर हमने 1 ATP यूज़ किया था, अब हम यहाँ 2 NADH2 बना चुके हैं और 2 ATP का फॉर्म कर चुके हैं। ठीक, फिर एट्थ स्टेज में फास्फोग्लूकोम्यूटेज की उपस्थिति में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। फिर ये एंजाइम आपका इम्पॉर्टेंट है, इसकी उपस्थिति में 2-फॉस्फोइनाल पायरुविक एसिड बनता है। फिर लास्ट में आपके पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और फिर से 1 ATP मॉलिक्यूल बनता है। मतलब टोटल आपका जो ATP यूज़ हो रहा है वो 2 ATP है, डायरेक्ट आपके 3 ATP का निर्माण हो रहा है और 2 NADH2 का निर्माण हो रहा है। ठीक, अब हम इस पूरे प्रोसेस में ATP काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन दोनों में ATP का काउंटिंग अलग अलग होगा। एक्चुअल में ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रक्रिया में 8 ATP बनता है, ऐसे जनरली बुक्स में लिखा होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा टर्म्स क्या दिए हुए हैं, क्योंकि दोनों में काउंटिंग का प्रोसेस अलग अलग है। ठीक, देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, 1 ATP का क्या किया था, यूज़ किया था। ठीक, फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, फिर से 1 ATP का क्या किया, यूज़ किया। ठीक, सिक्स्थ स्टेप में क्या हुआ था, हमने 2 NADH2 का निर्माण किया। ठीक, याद रखिएगा 1 NADH2 से टोटल 3 ATP मिलता है, मतलब यहाँ हमने कितना ATP प्राप्त कर लिया, 6 ATP। ठीक, फिर सेवेंथ स्टेप में हमने डायरेक्ट 2 ATP का निर्माण किया, फिर टेंथ स्टेप में हमने डायरेक्ट 2 ATP का निर्माण किया, मतलब टोटल ATP जो है वो कितना हो गया, 6, 2, 8, 2, 10। 10 ATP का क्या किया, हमने निर्माण किया। ठीक, और 2 ATP हमने क्या किए, यूज़ किए,
तो टोटल एटीपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 ATP। वहाँ पर आप देख लीजिएगा 10th स्टेप में 2 ATP हैं, टोटल 2 मोल हैं, ठीक, 8 ATP। लेकिन अगर यही प्रोसेस अनाक्षी श्वसन में होगा तो आप याद रखिएगा ये जो NADH2 वाला ATP है ये काउंट नहीं होगा। कारण NADH2 से ATP को टूटने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाना पड़ता है, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अनाक्षी श्वसन में नहीं होता। यही कारण है कि ये ATP वहाँ पर काउंट नहीं होगा, तो टोटल 4 ATP बनेंगे, 2 ATP यूज़ होगा, मतलब इस प्रोसेस में टोटल ATP बन गया 2 ATP और ऑक्सी श्वसन में टोटल ATP बन गया 8 ATP, ठीक। अब कुछ फैक्ट देखते हैं जो पूछे जाते हैं इस टॉपिक को लेकर के। सबसे पहला स्टेप तो आप याद रखिए कि इसमें ग्लूकोज से 2 पाइरुविक एसिड बनते हैं, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है वो ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में कॉमन प्रोसेस होता है। टोटल 8 ATP बनता है ऑक्सी में, अनऑक्सी में टोटल 2 ATP बनता है। पूरा प्रोसेस जो है वो कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। इसको EMP पैथवे भी कहा जाता है। कारण क्या है? एम्बडेन, मेयरहॉफ और पारनास 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको खोजा था, जिसके कारण इसको EMP पैथवे भी कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका टोटल ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, ठीक। अब उसके बाद हम ऑक्सी श्वसन को लेके आगे बढ़ेंगे। पाइरुविक एसिड से हम क्रेब साइकिल के माध्यम से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। अब हमने ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस देख लिया है और वहां पर ATP काउंटिंग की प्रक्रिया समझ ली है, ठीक। अब हमने देखा है कि ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ है, मतलब ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पाइरुविक एसिड के टोटल 2 मॉलिक्यूल बने हैं, ठीक। ये प्रक्रिया किससे हुई? ग्लाइकोलिसिस से, ठीक। अब इस पाइरुविक एसिड से, 2 पाइरुविक एसिड से 2-एसिटाइल-CoA का निर्माण होगा, ठीक। यहाँ पर टोटल 2 मॉलिक्यूल फिर से NADH2 का निर्माण होगा, ठीक। 2 मॉलिक्यूल NADH2 बनेगा, 2 पाइरुविक एसिड से 2-एसिटाइल-CoA होंगे। ये जो प्रोसेस होगा ये एक तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक, आप ये याद रखिएगा, और यहाँ पर डीकार्बोक्सीलेशन होगा, मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आता है, ठीक। अब ये 2-एसिटाइल-CoA जो हैं ये प्रवेश करते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, और यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है क्रेब साइकिल, ठीक। इस केस में क्या होता है, जो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड होता है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलता है और बनाता है सिट्रिक एसिड, ठीक। सिट्रिक एसिड से आगे वो बनाता है सिस एकोनिटिक एसिड, आगे वो फॉर्म करता है आइसोसिट्रिक एसिड, फिर ऑक्सेलो सक्सिनिक एसिड अदर देन अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, और ये साइकिल फिर से चलता है, ठीक। अब यहाँ पर आप समझिएगा 4th स्टेप में 1 NADH2 का मॉलिक्यूल बन रहा है, 6th स्टेप में 1 NADH2 का मॉलिक्यूल बन रहा है, 7th स्टेप में 1 GTP का निर्माण हो रहा है, 8th स्टेप में 1 FADH2 बन रहा है और 10th स्टेप में 1 NADH2 मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, इस पूरे साइकिल में सिर्फ 1-एसिटाइल-CoA ने भाग लिया है, ठीक। तो अब हम क्रेब साइकिल में ATP काउंटेशन को समझते हैं, ठीक। तो अब आपका क्रेब साइकिल में हम ATP फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने देख लिया है कि 2 NADH2 बना है, मतलब 6 ATP यहाँ पर बन चुका है, ग्लाइकोलिसिस में टोटल हमारा बन चुका है 8 ATP, ठीक। अब हमने यहाँ पर देखा कि 4th स्टेप में हमारा क्या बना है, 1 NADH2, मतलब हमारा 3 ATP, उसके बाद हमारा 6th स्टेप में बना है हमारा 1 NADH2,
मतलब फिर से यहाँ पर क्या हो गया, 3 ATP। सेवेंथ स्टेप में हमारा डायरेक्ट एक GTP का फॉर्म हुआ है। एट्थ स्टेप में बना है हमारा FADS2, मतलब कि 2 ATP। फिर उसके बाद अपना टेंथ स्टेप जो है इसमें बना है NADS2, मतलब कि फिर से 3 ATP। ठीक, टोटल ATP आप काउंट करेंगे तो 3, 3, 6, 2, 8, 9, 10, 11 और एक GTP करके आपका 12 ATP का निर्माण हुआ। ठीक, तो 12 ATP बना है क्योंकि एक एसिटाइल कोएंजाइम ने भाग लिया, हमारे पास दो है तो 12 × 2 ये हो जाएगा 24 ATP। टोटल आप जोड़ेंगे तो 24 ये, 6 ये और 8 ये, टोटल 38 ATP जो मैंने आपको ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में बताया था, ये 38 ATP का निर्माण होता है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, कोष की श्वसन और इसके साथ श्वसन की क्रियाविधि समाप्त होती है।